अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के लिंकअप की खबर इस वक्त बॉलीवुड गलियारे की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि इन दोनों सेलिब्रिटीज के रिश्ते की सच्चाई क्या है। ऐसे में मीडिया पर्सन अनुष्का और विराट दोनों से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है इन दोनों सेलिब्रिटीज ने फैसला कर लिया है कि अपने लिंकअप से जुड़े किसी भी सवाल पर ये दोनों स्टार्स बात नहीं करेंगे। जी हाँ, जूम सोर्सेज से एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि अनुष्का शर्मा ने अपने स्टाफ मेंबर्स को साफ कहा है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उनका आमना सामना मीडिया से ना हो जाए। यही नहीं, अनुष्का ने अपनी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी यशराज को भी साफ कह दिया है कि वो हाल फिलहाल अपने किसी ब्रांड के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगी। दरअसल अनुष्का शर्मा का ब्रांड चाहता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके ब्रांड को प्रमोट करें, लेकिन अनुष्का ने साफ कह दिया कि वो हाल फिलहाल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मतलब साफ है कि अनुष्का ने मीडिया से दूरी बनाकर रखने की पूरी प्लानिंग कर ली है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मीडिया में अनुष्का और विराट कोहली के लिंकअप की खबर आई कहाँ से? वेल, तो हम आपको बता दें कि खुद अनुष्का शर्मा ने करण जौहर के चैट शो पर विराट कोहली से जुड़ी बातों का जवाब देकर इस न्यूज को हवा दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अनुष्का को अपने प्राइवेट लाइफ की इतनी ही ज्यादा फिक्र थी तो उन्होंने करण के शो पर ये बातें क्यों की? वेल, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहले अपने लिंकअप की न्यूज को खुद ही हवा देते हैं, लेकिन जब मीडिया में उनसे इन खबरों पर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश की जाती है तो वो मीडिया को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब साफ है कि स्टार्स आजकल न्यूज में बने रहने के लिए ये नए नए आइडियाज अपना रहे हैं। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई।